इनेलो युवा इकाई की कमान संभाल चुके नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के बड़े बेटे करण चौटाला रविवार को गोहाना पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद वो बड़े खुलासे करेंगे। वो ये भी बताने का काम करेंगे कि किस तरह से दुष्यंत और दिग्विजय ने झूठ के सहारे अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जींद चुनाव को लेकर भी वो बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी कर भाजपा ने चुनाव जीता है, इसके लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर कोर्ट में जाना चाहिए। ये केवल हरियाणा में नहीं हुआ बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें आई हैं। करण चौटाला ने कहा कि दुष्यंत और दिग्विजय आज झूठ के सहारे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जी देखिए, चुनाव में हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय जो इस चुनाव के बारे में है वो ये है कि इस चुनाव में धांधलीबाजी 100% हुई है। कई ऐसे भी गांव निकले हैं जहां पर एक भी वोट किसी बूथ पर नहीं पड़ा। ये बात हमारे को पहले भी चुनाव में कही गई थी, हमने इस बात की कंप्लेंट भी करी थी। एक तो अगर आप देखें तो कभी कोई नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी से नीचे नहीं होती बैलेट पेपर पे, और अगर आप दूसरी तरफ अल्फाबेटिकली भी देखते हैं तो भी उमेश सिंह जी का नाम ऊपर नहीं हो सकता था। इस बात का हमने मुद्दा भी उठाया था, हमने कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जब सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया तो वहाँ से भी ये बात आई कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इस बात पर विस्तार से आज कुछ ना सोचा गया तो ये कहीं ना कहीं आने वाले जो मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होंगे, जो आगे जनरल इलेक्शन भी आएगा, आप लोगों को उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा और आपको इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। ये केवल मात्र पार्टी का नुकसान नहीं, उससे ज़्यादा आज जनता का नुकसान है, क्योंकि जहाँ पर आप ये देखें एक गाँव था A9 मीडिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदेश के युवाओं को इनेलो के साथ जोड़ने की जिम्मेवारी जी ने दी है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता करण चौटाला जी, उनसे जानते हैं। भाई साहब, जींद का जो चुनाव हुआ है, अब उसके बाद सुना जा रहा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी साथ नहीं हो सकता, तो इनेलो की किस प्रकार की थी है? जी देखिए, फिलहाल तो एक बार हम जा कर के सभी साथियों से मिल के किस प्रकार हमारे को नई रणनीतियाँ बनानी है, किस प्रकार हमारे को आने वाले चुनाव की तैयारी करनी है, उस पर हमारी वर्किंग चल रही है। आज भी हमारे सारे जिला प्रधानों की और यूथ की मीटिंग थी, और जल्द ही चौटाला साहब आएंगे, उनके साथ बैठ के डिस्कस करके फिर आपके सामने हम सारी नीतियाँ और किस तरह हम चुनाव लड़ेंगे आपको सारा विस्तार में बता देंगे। जिन चुनाव में बात कही जा रही है कि जो ईवीएम वगैरह है, दूसरी पार्टी भी आरोप लगा रही है उनमें बीजेपी ने गड़बड़ करवाई है, तो आपका क्या कहना है जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो और जो जींद चुनाव है उसके बारे में? जी देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये पिछले जो अदर स्टेट्स में चुनाव हुए हैं वहाँ पे भी इस प्रकार की बातें निकल कर आई। तो मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं से ये विनती करूँगा कि उनको इकट्ठा बैठ करके जल्द इस बात के ऊपर चर्चा करके फैसला लेना चाहिए, और इसके खिलाफ चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे इलेक्शन कमीशन में इसको जाकर के मुद्दे को उठाना पड़े, इसके ऊपर जल्दी कोई फैसला करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि उनकी जो हार का मुख्य कारण है वो इनेलो का बीजेपी के साथ मिली भगतों का कारण है। उनके पास सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है, तभी जनता ने उनका नाम जमा झूठी पार्टी रखा। और जो आज हम पे आरोप लगा रहे हैं ये भी तो कहीं ना कहीं साठ गांठ करके आम आदमी पार्टी के साथ बैठे, इन्होंने चौटाला साहब को वापिस भेजने का काम किया, और हरियाणा की जनता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो जनता के हित की बात नहीं करता कभी उसके साथ हाथ नहीं मिलता। वो सब जेल चुनाव से पहले जिस तरह एकाएक रात को चौटाला साहब की जमानत रद्द की गई है, उनको जेल भेजा गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह की है, किसकी मिली भगत है? जी ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, चौटाला साहब स्वयं इस बात को अपने मुंह से कह कर दिया, और आपने उसको बहुत अच्छी तरह मीडिया में चलाया, आप मीडिया के साथियों ने ही मिलकर उनसे पूछा था, और उन्होंने बताया भी आपको किस प्रकार हमारे भाइयों ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के ये
क्योंकि उनको पता था चौटाला साहब बाहर आते और प्रचार करते, कहीं ना कहीं इसका उनको भी बड़ा नुकसान करना पड़ता। लेकिन इसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं मरोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा दिया। पर कोई बात नहीं, चौटाला साहब जल्द आएंगे आपके बीच में, आप उनसे मिलिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। आज तक आपकी दादी का कभी बयान नहीं आया, कोई राजनीतिक बयान नहीं आया था, जिन चुनाव से पहले आपकी दादी का जो बयान आया था ये देखिए, ये उनका खुद का स्वयं का फैसला था और मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जितना कुछ कहूँगा फिर जवाबदेही होगी, फिर इसको कहीं से घुमा फिरा के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे। क्यों ना आप जाकर के मेरी दादी से मिल लीजिए, भगवान से दुआ करें उनकी सेहत जल्दी ठीक हो, और इस बात के बारे में वही आपको ज़्यादा अच्छी तरह स्पष्टीकरण कर देंगे। ये थे हमारे साथ युवा नेता करण चौटाला जी, जिन्होंने बताया कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण इस तरह बीजेपी ने जींद का उपचुनाव जीता है। K9 मीडिया के लिए अमन कौशिक के साथ अरुण दून की रिपोर्ट। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।